माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइस आज संडे का दिन है, घर की सफाइयाँ वगैरह सब कर करा के मैंने अपनी मम्मी के घर जाने के लिए यहाँ साथ इन महारानी की डॉल भी आई है। ये इसको मैंने ना सुबह उठते के साथ ही रेडी कर दिया था, नाश्ता वगैरह करवा के। जब से इसने मेरा दिमाग का कीमा बनाया हुआ कीमा कि चलो 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 चलो। कैसे मम्मा को तंग कर रही थी बताना, कैसे मम्मा को तंग कर रही थी। डॉल दिखाओ सबको अपनी डॉल की, पप्पो ने ना इस शाल की डॉल की, कितने प्यारे प्यारे पप्पे ने स्टिच किए। दिखाओ सबको पप्पे डॉल के, इतने प्यारे प्यारे पप्पे। तो डॉल इनके साथ आई और ये माशाल्लाह पीछे बैग भी हैंग कर आई है, जैसे कि जा रही है पिकनिक पर। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, दिल तो चाह रहा है कहीं ना कहीं जाएँ, बट देखो कहीं जाने के प्रोग्राम भी, बट हम देखो के कहाँ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो वेलकम बैक टू दियाना। तो हाँ। देखें डॉल की, कितने प्यारे पप्पे सिए ना इशाल की पप्पो ने, इतने प्यारे बैंड भी लगाए। इस डॉल से इशाल को इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, कुछ भी खाती है ना डॉल को लाजमी मेरी बेटी खिलाती है। डॉल को कैसे खाना खिलाती हो, कल तो मैं जब कपड़े वॉश कर रही थी तो उसको लेकर आएगी, मम्मा जैसे इसको भी आप नहला दो, इसको भी बाल्टी के अंदर डालने लगी पानी में। तो माशाल्लाह कितने समझदार होती है बेटियाँ। मैंने यहाँ बिठा दिया इशू की डॉल को, कितनी प्यारी जगह है डॉल की। इशू डॉल की कितनी प्यारी छोटी सी सीट बना दी मम्मा ने। अब इसकी डॉल नीचे गिर गई थी, मम्मा 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 कैसे बोली थी डॉल, मम्मा मम्मा को कैसे बता रही थी मम्मा। डॉल को हमने यहाँ बिठा दिया। डॉल कैसी है इशू, प्यारी है डॉल? डॉल को इशू प्यार करती, कैसे पप्पी करती है डॉल को? डॉल का ओबा कैसे करती हो आप बता दो। अच्छा बता दो डॉल का ओबा कैसे करती हो, कोई चुकलती मम्मा को कर दो ओबा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने, अब देखो किस तरफ जाते हैं। और वहाँ देखो पीछे हमारा बच्चा करतूत कर रहा है, और यहाँ इनकी अम्मा लगी हुई है मेकअप में और पीछे वो दिखा रहे हैं काम। हुसैन चलो चलो, आप गर लो आप, मैं तो इशू की डॉल ले ली, आप गर लो हैं। तो बस सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो बस निकलते हैं। अमीर देख रहा है कि अमीर ने क्या खाना है, सब अपने अपने डिसाइड कर दो सबने क्या क्या खाना है। अम्मी तुम क्या खाओगी, क्या खाओगी, क्या देखो तो इसमें देखो ना, उधर थोड़ी कोई देखना है, इधर देखना है क्या। और तुमने क्या ठूस खाना है, ठूसने भूलने वाली थी। अम्मी स्टिक गोला गंडा खाएंगे, अम्मी इंडिया में रह रही है ना माशाल्लाह। हाँ तुम सही है, अच्छा चलो तुम खा लेना। तुमने क्या खाना है, कटोरी चाट भी है तो खाना है गोला गंडा, जो हर दफ़ा आके मैं गोला गंडा ही खाती हूँ। ना तुमने क्या खाना है, क्या गोलगप्पे ना है? क्या खाओगे, चू आ जाए ना अभी तो गोला गंडा। क्या खाओगे लड्डू, पाइनएप्पल गोला। क्या खाओगे आप लड्डू, पाइनएप्पल गोला। क्या खाओगे हैं, उसको शर्म आने लगी। क्या खाओगे, अच्छा पाइनएप्पल गोला खाएगा ये वाला। अच्छा तुम स्टिक वाला खाओ, चलो अब जल्दी से बता बुलाओ ऑर्डर वगैरह दें। इच्छू ने क्या खाना है गाइस, यहाँ इतना रश है, शोर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। हम लोग इतना दूर उतरे थे, ये पूरा हम लोग चलते 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 तो हम यहाँ आके बैठे हैं। बहुत रश था, बहुत रश था। यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं और पीछे भी पूरा भरा हुआ है। तो हम लोग जब जाते हैं सलीम कादिर गाइस, सब ने अपना अपना डिसाइड कर लिया है। ये तो खाएंगे पाइनएप्पल गोला, और अलमीर ने स्टिक गोला, मैंने खाना है नहीं बर्गर का दिल नहीं कर रहा, और मैंने खाना है सिंपल गोला गंडा, और इसने भी सिंपल, तुमने भी सिंपल गोला गंडा खाना है ना, सादा वाला। अब इनका डिसाइड नहीं हो रहा, बट हम सब पर डिसाइड हो गया। अब देखो मामा ने क्या खाना है। तो गाइस हम लोग यहाँ खाते हैं हमेशा की तरह, हम लोग सलीम कादिर के खाते हैं। इन लोगों का गोला गंडा बड़ा बहुत ही बेस्ट होता है, मुझे सबसे ज़्यादा इन्हीं का गोला गंडा अच्छा लगता है, वरना इतने सारे हैं गोले गंडे वाले, बट मुझे इनका सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। गोल गप्पे तो हमारे यहाँ आ चुके हैं, अब खाते हैं बताते हैं कैसे। तो भाई कैमरा मुझे यहाँ करके खाना पड़ रहा है, यहाँ रोशनी नहीं है बिल्कुल भी। चबाओ, चबाओ, चबाओ।
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरा है भाई। खाते खाते मैंने गोलगप्पे छोड़ दिए, बकरा सामने आ गया। गाइस यहाँ हमारा कप्पा घोटाला भी आ गया कि करके चीज़ें आ रही हैं, हमें कि करके जल्दी जल्दी खा रहे हैं। ये भी बहुत मज़े का है। खा के बता कैसे चलेगा? पता नहीं तुम्हारे यही कहाँ चलेगा। अम्मी बहुत टेस्टी है, खाओ स्पून है। तो भाई यहाँ गोला कंटल मीर का आ गया स्पेशल बनवाया इस बच्चे ने हमारा, मेरा दिमाग खा के रख लिया था। काफी स्टिक वाला गोला कंटा खाऊंगे, स्टिक वाला खाऊंगा। तो यहाँ बस अब लड़ाइयाँ होने वाली है बस अब लड़ाई। बेटा इधर फिंगर से नहीं खाओ, आपको भैया खिलाएगा। लड्डू ने कपड़े खराब करना शुरू कर दिए। यहाँ मामा अपना गोला कंटा खा रहा है, मेरा तो भी आ रहा है, अभी अंकल बना रहे मेरा। यहाँ दोनों भाई बैठ के गोला कंटा खा रहे हैं। लड्डू ने हम सबको हिला के रखा हुआ है। आप देखो बिब नहीं लगाओगे ना तो देखो देखो मीनम सब कपड़ों पे गिर रहा है। यहाँ मेरा भी गोला कंटा आ चुका है, ये देखें सलीम अंकल की गोले कंटे की भाई बात ही और होती है, बहुत मजे का होता है। अम्मी की यहाँ पे भी गृहस्थी शुरू हो गई है, अम्मी यहाँ पे भी बच्चों को गृहस्थी सिखा रही है। रेडी है, मुझे कैमरा यहाँ रख के बनानी पड़ रही है, यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है, लाइटनिंग का इश्यू है। मेरे कैसा ये वाला गोला कंटा, स्टिक वाला है? आपके लिप्स बताओ पूरे रेड हो गए, आपकी टंग भी रेड हो रही है। बलमीर ने भाई सही के मजे लिए, मेरा दिमाग खाली किया हुआ था, ये वाला गोला कंटा खिलाना, वो वाला खिलाना, सब खा रहे हैं और मेरा बेटा यहाँ सिर्फ सबको देख रहा है। पास खाते पास खाना, मैं पागल हूँ, सब खिलाऊंगी। अरे मेरा बेटा गालो 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 नहीं, मजा आ रहा है। बाबा को थैंक यू कहा आपने? बाबा लेकर आए इतनी दूर हुसैन को ताकि हुसैन बदतमीजी करे सब देखे। सबसे ज्यादा रश इन्हीं लोगों के पास है ना, सबसे ज्यादा रश इन्हीं लोगों के पास होता है। सलीम गोला हुसैन आपने क्या खाया है? हुसैन आपने क्या खाया है? अलमीर आपने क्या खाया है? अम्मी ने सिर्फ बन कबाब खाया है और थोड़ा सा गोला कंटा, चक्कम चुक्की करी अम्मी ने, और इन्होंने सिर्फ गोला कंटा खाया है, और ये वाइफ लेके बैठे हुए हैं, जोड़ी लिए। अरे ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, आपको तो पता लाग लग रही है ना, खतरनाक बहू बनी है। तो गाइस मैं भी सिद्धराफी के साथ आया हुआ था गोला कंटा खाने, और अभी हम लोग बिल पे कर रहे हैं। तो जो है ना अभी हम लोग निकलने वाले गाड़ी में, फिर अब हम लोग जो है ना, हमें बहुत नींद आ रही है और हम लोग अब जाके सो जाएंगे। अब देखें वेटर बिल लेने, गाइस वेटर बिल लेने आ गए हैं, देखें वेटर कैलकुलेट कर रहे हैं मोबाइल में कि कितना बिल हुआ, अब चाचू बिल देंगे। गाइस ये बहुत मशहूर जगह है दोरा जी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं गोला कंटा खाने, चाट और आइसक्रीम, लिमका आइसक्रीम खाने, या फिर लिमका पीने, गोलगप्पे भी होते हैं। गाइस तो आप भी दोरा जी पे ज़रूर आइएगा, दोरा जी बहुत फेमस जगह है। गाइस
मैं अपने घर आ गई और आते के साथ मैंने रूम वगैरह समेटा है, शाल को चेंज करवाया, तो आज का दिन बहुत ही मज़ा आया। और बहुत टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर गई, और मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, तो बट ये है कि आज इस बार फैमिली के साथ गई तो बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद मैं फैमिली के साथ गई, लास्ट टाइम भी जब मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी उस टाइम भी मैं धोरज ही गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को ना गोला गंडा बहुत अच्छा लगता है। जब भी कहीं बाहर जाने का हमारा प्रोग्राम बनता है तो मम्मी फ़ौरन कहती हैं धोरज ही चलते हैं। अगर डिनर का भी कहीं प्रोग्राम बन रहा होगा ना कि चलो डिनर करने चलते हैं, तो मम्मी का यही होता है कि यार मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, वो बाहर से चिल्ला रही है, तो मम्मी का यही होता है कि ना वो धोरज ही चलते हैं। तो खैर ये पर इंसान कभी भूल ही नहीं सकता अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए हुए। तो खैर आज के व्लॉग में यही एंड करती हूँ, होप्स हो कि पसंद आया हुआ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।